सात चक्र जागरण के क्या क्या संकेत हो सकते हैं, आप कैसे जानेंगे कि आपके सभी सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। ध्यान की चेतना जब विकसित होने लगे और साधक को उसके सहस्त्रार चक्र में डायरेक्ट कुछ सेंसेशन अनुभूति होने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि साधक के सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। क्योंकि सहस्त्रार चक्र कभी अकेला जागृत नहीं होता, ये नीचे के छह चक्रों का परिणाम होता है। साधक के आज्ञा चक्र में जब प्रकाश दिखाई पड़ने लगे, उसे विजुअलाइजेशन होने लगे, और इसी चेतना में यदि वह शून्यता और समाधि को प्राप्त हो जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि साधक के सभी सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। साधक के विशुद्धि चक्र में कुछ सुखद अनुभूति होने लगे, उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए और उसकी रीढ़ की हड्डी भी अपने आप सीधी हो जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि उसके सातों चक्र एक साथ जागृत होने शुरू हो गए हैं। एक ऐसी चेतना जिसमें साधक की सांसों में एक लयबद्धता प्रतीत हो, उसकी सांसें बिल्कुल धीमी थम सी गई हो, ऐसी अनुभूति उसे होने लगे, उसकी नाभि सिकुड़ जाए, उसका ब्रेन एक्सिस और नाभि एक दूसरे से जुड़ जाए और ऊर्जा का प्रवाह उसके ब्रेन में होने लगे, तो ये इस बात का संकेत है उसके सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। ध्यान की चेतना में साधक का गुदा द्वार अचानक सिकुड़ जाए, उसकी सांसें थम सी जाए और मूलाधार से ऊपर उसके सभी चक्र एक साथ अलाइंड हो जाए, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगे, तो ये इस बात का संकेत है उसके सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। साधक को खुली आंखों से ध्यान होने लगे, अचानक उसकी आंखें खुलकर उसके भौहों से लग जाए या उसे उन्मनी मुद्रा होने लगे और वह बहुत देर तक इसी चेतना में लीन हो जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि उसके सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। क्योंकि ये कुंडलिनी क्रियाएं हैं, कुंडलिनी सातों चक्रों को जागृत करने के लिए ये क्रियाएं उसके सेंस ऑर्गन्स में, उसके ब्रेन में अपने आप ही करानी शुरू कर देती है। ध्यान की चेतना के दौरान यदि साधक को ऊंजई प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ये सभी क्रियाएं होने के कारण चेतना का निर्माण होने लगे, साधक इन्हीं क्रियाओं के कारण शून्यता समाधि में प्रवेश करने लगे, उसके ब्रेन में ऊर्जा का प्रवाह होने लगे, तो समझ जाएं उसके सातों चक्र एक साथ जागृत हो रहे हैं। मूलाधार के पास धीरे धीरे सेंसेशन स्पंदन बढ़ता चला जाता है और साधक का गुदा द्वार अचानक ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है, ऐसा बार बार होने लगता है, तो कभी स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि से नीचे और जननांगों से ऊपर होता है वहां भी सुखद अनुभूति, जोश, जुनून, ऊर्जा का एहसास बढ़ता चला जाता है। और नाभि चक्र का क्या कहना, नाभि चक्र जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है, यह तो अपने आप ही कभी अंदर और बाहर मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण सिकुड़ जाता है, तो कभी फैल जाता है, और फिर साधक की चेतना उसके अनाहत चक्र में पहुंचती है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। बहुत देर तक आत्मविश्वास के भाव से साधक अंदर ही अंदर भरा होता है और फिर ये सुखद अनुभूति उसके कंठ चक्र तक पहुंचती है तो कंठ कूप अपने आप सिकुड़ने लगता है, उसके थायराइड ग्लैंड तक ये अनुभूति पहुंचती है, उसका कंठ चक्र भी अपने आप स्टिमुलेट होने लगता है, और फिर आज्ञा चक्र तो पहले से ही सूक्ष्म शरीर के इस कार्य में जुटा होता है,
आज्ञा चक्र के कारण ही ये सारी अनुभूतियां संभव हो पाती हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र ही वह चक्र है जो सबसे पहले जागृत होता है और सभी चक्रों को मूलाधार से ऊपर की ओर जागृत करना शुरू करता है। और फिर ये अनुभूतियां नीचे से ऊपर जब आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो आज्ञा चक्र में ऊर्जा का एक दबाव क्षेत्र बन जाता है, आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है, ये अनुभूति गुदगुदी में बदल जाती है और बहुत ही खिंचाव महसूस होना शुरू होता है आज्ञा चक्र पर। और फिर सहस्त्रार चक्र ऊपर से आज्ञा चक्र के इस अनुभूति को, सेंसेशन को, वाइब्रेशन को, ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच लेता है और सहस्त्रार चक्र भी अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाता है। और जब साधक को उसके सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन, स्पंदन महसूस होने शुरू होते हैं, जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उसके सहस्त्रार चक्र में बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी समय साधक के सभी सातों चक्र नीचे से ऊपर की ओर, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की ओर अपने आप ही एक सीधी रेखा में अलाइंड हो जाते हैं और साधक बहुत देर तक इसी चेतना में स्थिर होता है और उसके सातों चक्रों की रिचार्जिंग होनी शुरू हो जाती है। बहुत देर तक यह रिचार्जिंग होती है, साधक के चेहरे पर उसके हाव भाव से ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन लगातार चक्रों में बदल रही है ऊर्जा के कारण, उसके मुखाकृति में तरह तरह के भाव प्रकट होने लगते हैं, वह आनंद भाव से भरा होता है। जिस चक्र में जैसी अनुभूति वैसी उसकी मुखाकृति बदलती रहती है और इस प्रकार साधक के सातों चक्र जागृत होते रहते हैं। साधक उस समय तुरीय अवस्था में होता है, लेकिन धीरे धीरे साधक की चेतना जब नीचे उतरनी शुरू होती है, वह धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटना शुरू होता है, तो ये सेंसेशन सबसे पहले उसके सहस्त्रार में हल्की गुदगुदी के साथ नीचे उतरता है, फिर उसके आज्ञा चक्र में भी ये हल्की गुदगुदी होती है, फिर विशुद्धि चक्र में भी ये सेंसेशन होता है, उसके अनाहत चक्र में भी कुछ सेंसेशन होता है, उसके नाभि चक्र में सेंसेशन होता है। धीरे धीरे उसका सेंसेशन, स्पंदन अपने आप ही नीचे की तरफ स्पंदन करता हुआ, सेंसेशन देता हुआ नीचे की तरफ मूलाधार चक्र तक उतर जाता है और फिर साधक अपने भौतिक शरीर में वापस लौट आता है। तो किसी किसी साधक को इस अंतिम अवस्था में उसकी आंखें आधी खुली हुई तो आधी बंद होती है, खुली आंखों से उसे सामने मुद्रा या उन्मनी मुद्रा जैसी अनुभूति होती है और धीरे धीरे उसकी चेतना इस प्रकार वापस लौटती है। तो किसी किसी साधक को इस साधना के अंतिम स्तर में खेचरी मुद्रा लग जाती है, उसकी जीभ उसके तालु से सटी रहती है और धीरे धीरे, क्योंकि अचानक चेतना का स्तर बदल नहीं सकता, अचानक आप चेतना के उच्च स्तर से जीरो पर नहीं आ सकते, तो इसलिए जब उसे खेचरी मुद्रा लगी होती है, उसकी जीभ ऊपर की तरफ लगी हुई होती है, तो साधक को बहुत सारी अनुभूतियां होते हुए धीरे धीरे चेतना का स्तर कम होता है और वह अपने भौतिक शरीर में वापस लौट आता है।